फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके सामने जो बुक और ऑथर का लास्ट पार्ट है वो लेकर आई हूँ। लास्ट पार्ट इन द सेंस कि जैसे मैंने आपको इसके पहले जो दो पार्ट पढ़ाए थे वो थे आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड। करंट अफेयर्स में जो बुक्स साल डेढ़ साल में लॉन्च हुई थी उसके बारे में बताया था, और ये आज जो मैं बुक कराने वाली हूँ आपको, मैक्सिमम 40 to 50 बुक्स कराऊंगी जो हिस्ट्री से रिलेटेड होगी। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से मैंने दोनों चीज़ें लिख ली है, बुक्स भी और ऑथर भी। अब बस आपको याद कैसे करना है मुझे बस इतना बताना है, और आपको इसी क्लास में याद कराना भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बातों के। मैम बात तो इतनी सारी कर ली, हाँ तो पढ़ भी लेते हैं, कोई ना, बात करना भी ज़रूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा की बुक है पंचतंत्र। अब याद कैसे करोगे, देखो विष्णु जी थे उनके पास बहुत सारी शक्तियां थी, कैसे बहुत सारी, तो आप याद कर लो विष्णु जी के पास कितनी शक्तियां थी, पांच शक्तियां थी। बहुत सारी तो हमें नहीं याद रख सकते, लेकिन उन पांच शक्तियों का तंत्र था। तंत्र इन द सेंस जैसे कि एज अ ग्रुप, तो पांच तंत्र थे उनके पास जिससे उनकी सारी शक्तियां रिलेट करती थी, किसकी, विष्णु भगवान की। तो विष्णु के पांच तंत्र थे, विष्णु शर्मा पंच तंत्र। ओके नेक्स्ट वन रश खान, जिनकी पुस्तक का नाम है प्रेम वाटिका। अब जिसके मुंह में रस ही रस भरा हो, ठीक है मीठे रस की बात हो रही है यहाँ पर, जिसके मुंह में रस ही रस भरा हो और खाने का मन नहीं करेगा क्या, तो रस कैसा है, प्रेम से भरा हुआ। और फ्रूट्स कहाँ लगे होते हैं जिनमें रस भरा होता है, वाटिका में लगे होते हैं, ठीक है वाटिका संस्कृत में बोलते हैं ना बगीचे को, तो रस भरा हो तो खाने का मन करेगा, तो रस खान। और रस में क्या होता है, प्रेम होता है। जब आप बहुत मीठी वाणी बोलते हो तो क्या बोलते हैं, कितनी मीठी वाणी है, रस से भरी हुई वाणी है, प्रेम से भरी हुई वाणी है, ऐसा बोलते हैं। तो प्रेम है कहाँ पर, जब खाने का मन किया तो खाने से क्या ध्यान आया, वाटिका ध्यान आया, प्रेम वाटिका। शूद्रक की याद रख सकते हो मृच्छकटिकम, लेकिन इसका थोड़ा सा बिल्कुल फनी सा ट्रिक है, ट्रिक नहीं है ऐसा कुछ भी, सिर्फ हम रिलेट कर रहे हैं अपने माइंड में उस चीज को याद रखने के लिए। ट्रिक मैं ऐसा कुछ भी नहीं बना रही हूँ, उसी नाम को उठाकर उससे रिलेट कर रही हूँ। शूद्रक, अब शूद्रक ऐसो सुई से याद रखो, सुई है, सुई कौन कुछ देता है, कुछ देता है इन द सेंस की मच्छर होता है ना, तो मच्छर से होगा मृच्छ, कटिकम से हो गया काटना। जब मच्छर काटता है तो उसका काटना हमें सुई चुभने के जैसे लगता है, तो मृच्छ कटिकम किसकी तरह लगता है, सुई चुभने के जैसे, सुई से बन गया शूद्रक। ओके ना, नेक्स्ट है वत्स्यायन, तो वत्स्यायन किसकी, जो लेखक है उनकी बुक का नाम है कामसूत्र। आप ऐसे याद रख सकते हो जो हमारे वस्त्र है वो हमारे काम आते हैं, ऑफकोर्स काम आते हैं भाई, कोई सा भी वस्त्र हो भले वो अब हम ना यूज कर रहे हो, लेकिन वो किसी ना किसी के तो काम आएंगे ही, ऑफकोर्स जरूर, क्यों नहीं काम आएंगे। तो वत्स्यायन की बुक है काम सूत्र। प्लीनी, प्लीनी की जो बुक है वो है नेचुरल हिस्ट्री। देखो हम प्ले करते हैं, प्ले से याद रखो प्लीनी, हम प्ले करते हैं खेलते हैं, तो वो हमारे नेचुरल होता है, नेचर से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, ठीक है मतलब नेचर इन द सेंस कि हमारी वो हैबिट होती है जो हम खेलना पसंद करते हैं, वो हमारी कहीं ना कहीं हिस्ट्री में रिलेट होता है। पोलो खेलते समय किस राजा की हत्या हुई थी खेलते खेलते, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और दिया करो आंसर, आंसर क्यों नहीं देते हो, पिटाई कर दूंगी मैं। चलो कोई ना, आगे चलते हैं। अश्वघोष, अश्वघोष की पुस्तक है बुद्ध चरित्र। इसको कैसे याद रखोगे, अश्व, अश्व यानी कि घोड़ा, संस्कृत में याद रखो अश्व, अश्व कैसा होता है, बुद्धिमान होता है, इंटेलिजेंट होता है, और घोष वो किसी को घोषता नहीं है, क्यों नहीं घोषता, क्योंकि उसका चरित्र में ऐसा नहीं है, उसकी नेचर ऐसा नहीं कि वो किसी को घोषे, उसको जो काम दो उसको बहुत अच्छे से करता है, बुद्धि के साथ करता है। अश्व बुद्धि घोषता नहीं है चरित्र की वजह से, अश्व घोष की पुस्तक हो गई
बुद्र चरित्रम। नेक्स्ट वन बाण भट्ट। बाण भट्ट की बुक है कादंबरी। अब आप बाण चला रहे हो, क्या चला रहे हो? बाण चला रहे हो, बाण चलाना है और कुछ नहीं चलाना, ठीक है? किसको, किस लिए चला रहे हो? कदम को तोड़ने के लिए। कदम का पेड़ होता है ना, देखा है आप लोगों ने, आई होप सबने देखा होगा, कदम का पेड़ होता है ना, कदम को तोड़ने के लिए बाण चला रहे हो, तो बाण भट्ट की बुक हो गई कादंबरी। नेक्स्ट वन है गुलबदन बेगम। अब बेगम को देख के तो भाई होश तोड़ने सी थी, ये तो ना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉर्मल, ओके? तो गुलबदन बेगम को किसने देखा? हुमायूं ने देखा, और वो अपना नाम ही भूल गया। बेगम ने पूछा आपका क्या नाम है, तू अपना नाम ही भूल गया, कौन? हुमायूं। जब उसने किसे देखा? बेगम को देखा। तो गुलबदन बेगम को देखते ही हुमायूं अपना नाम ही भूल गया। तो गुलबदन बेगम की जो बुक है वो कौन सी है? हुमायूं नामा। ओके, याद हो जाएगा, ठीक है मैम। विशाख दत्त की बुक है मुद्रा राक्षस। देखो दत्त यानी दांत किसके बड़े बड़े होते हैं? राक्षस की। और विशाख, विशाख यानी विशाल, ऐसे याद रखो, विशाल विशाल यानी कि अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा है ना? तो विशाल क्या है हमारे लिए? मुद्रा, विशाल है। और दत्त से बन गया बड़े बड़े, तो किसके बड़े होते हैं? दांत, राक्षस के। विशाख दत्त की कौन सी बुक है? मुद्रा राक्षस, ओके। पाणिनी, देखो पाणिनी से याद रखो पानी, क्या रखोगे? पानी, पाणिनी, पानी। पाणिनी जो थी वो आधा ध्यान लगा ही हुए थी कि पानी आ गया। ऐसा होता नहीं, हमारा पढ़ने में मन लगता ही है कि बस मम्मा की आवाज आ जाती है, बेटा जरा एक ग्लास पानी ले आना, बेटा जरा ये वाला काम कराना, फिर आराम से बैठ के पढ़ना। फिर लगता है अभी तो मन लगा था और अभी बुला लिया, ऐसा कहाँ ही होता है, ऐसा नहीं होता ना। फिर ये चीज तो सिर्फ हम मासूम बच्चों को समझ आती है, उन्हें कहाँ ही समझ आती है, उन्हें तो बस उस वक्त अपना काम दिख रहा होता है। होता है भाई, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो पाणिनी यानी पानी, कितना पानी, आधा ध्यान ही लगा था कि पानी आ गया। तो पानी से याद रखो पाणिनी, आधा ध्यान से याद रखो अष्टाध्यायी, ओके। वेद व्यास, वेद व्यास की कौन कौन सी पुस्तक है? भगवद गीता और महाभारत। जब आप वेदों के व्यास होगे तो महाभारत तो आप लिखोगे ही या पढ़ोगे ही, ठीक है? और महाभारत किसमें लिखी हुई है? भगवत गीता में। तो भगवत गीता और महाभारत दोनों किसकी पुस्तक है? वेद व्यास की, ओके। कल्हड़, कल्हड़ से याद रखो कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी आपने वाली कहानी सुनी होगी, जो कुल्हाड़ी थी जिसमें एक लकड़ी काटने वाला होता है, वो लकड़ी काट रहा होता है, उसको हर तरह की कुल्हाड़ी उसमें गिर जाती है, तो सोने चांदी की कुल्हाड़ी देती है आकर, फिर लास्ट में बोलता है मेरी इन तीनों में से कोई कुल्हाड़ी नहीं, मेरी तो लोहे की कुल्हाड़ी थी, ऐसा सुना है ना कहानी थी, सुनी हो गया ये सबने। तो कल्हड़ से याद रखो कुल्हाड़ी, वो राज ही तो था, वो उसकी परीक्षा ही तो ले रही थी, था कि नहीं था? वो राज था। किसका? उसको तंग करने का, कि देखो इसको तंग करता है ये, कुछ कहता है या नहीं कहता, उस चीज को लेता है या नहीं लेता। तो वो राज था उसको तंग करने का, इन द सेंस कुल्हाड़ी से, ठीक है? तो कुल्हाड़ी यानी कल्हड़, राज था वो और उसे तंग कर रहा था, तो राज तरंगिणी, ठीक है? चाणक्य, चाणक्य की है अर्थशास्त्र। अब जो याद रख सकते हो चाणक्य की अर्थशास्त्र। कालिदास, कालिदास की कौन कौन सी है? कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम। अब कालिदास याद रख लो कुमार, कालिदास जो थे वो बड़े ही संभव टाइप के थे, मतलब स्वभाव उनका बड़ा ही अच्छा था, वंश में भी उनका नाम लिया जा रहा है क्योंकि अच्छा काम किया उन्होंने, और उनको बहुत ज्ञान था, अभिज्ञान था, बहुत ज्ञान अभिज्ञान था शकुंतला से,
ठीक है, शकुंतलम ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो कालिदास संभव स्वभाव के थे, कुमार संभव, फिर उनको वंश में भी याद किया जाता है, कुमार वंश, सॉरी रघुवंशम, और उनको अभिज्ञान, मतलब उनको अभिमान था या अभिज्ञान था, अभिमान मत रखो वो गलत सेंस में चला जाएगा, बहुत ज्ञान था, तो अभिज्ञान था शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। जय देव, देव देखो जय किसकी करते हो, कोई गीत आता है जैसे आप अभी इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे आता है तो जय करते हो ना, भारत माता की जय बोलते हो, तो जय करते हो गीत पर, ठीक है। और जो देव हैं वो कौन है, गोविंद जी हैं, हमारे कृष्ण जी हैं, गोविंद उन्हें भी कहा जाता है ना, तो जय करते हो गीत पे, और देव कौन है, गोविंद, तो जय देव से बन गया गीत गोविंद, जय देव की पुस्तक है गीत गोविंद। नीचे का दिख रहे हैं आप लोगों को, नीचे का इन द सेंस बोर्ड में जो लिखा हुआ है 15 नंबर के बाद आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, गलत सेंस बहुत लगाते हो। 16th and 17th, झूठ मत बोलो, दिख रहा होगा, ठीक है, चलो दिख रहा होगा, पढ़ लो। 16 नंबर पे लिखा हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी। अब मलिक मोहम्मद जायसी की जो पुस्तक है वो है पद्मावत, पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक, ठीक है, बुक। याद कैसे रखोगे, मलिक जी हैं जो, कौन है मलिक जी जो हैं, वो बहुत मानते हैं किसको, एक पद को, कोई भी पद होता है उसको मानना पड़ता है, मानने इन द सेंस आप जिस पद पे हो, जैसे अभी आप बच्चे हो, आपसे बच्चे इन द सेंस आप अपने घर के बड़े हो, आपके आपसे छोटा कोई होगा, तो आपका जो औहदा है, आप जिस पे हो, बड़े हो, तो आपको ये नहीं दिखाना है कि हाँ मैं इससे भी छोटा हूं, मैं कोई भी गलतियां करूं, कोई भी गलतियां तो अब नहीं कर सकते ना, सबसे छोटा तो कोई और है ना, तो वो गलतियां करे आप उसे समझाओ कि ये गलतियां नहीं करनी है, फिर आपके ऊपर जो होंगे, आपके मदर मदर फादर, फिर उसके ऊपर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, सबका अपना एक पद है, उस पद से रिलेटेड वो बातें करेंगे, ठीक है। तो मलिक जी का जो पद था उसको बहुत मानते थे, पद को बहुत मानते थे, तो पद्मावत कौन, मलिक जी, मलिक मोहम्मद।